हेलो एवरीवन दिस इज धीरज सूरी एंड आई वेलकम यू ऑल इन धीरज सूरी क्लासेस सो फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑफ़ एम इकनॉमिक 2023 तो देखिए ये क्वेश्चन पेपर इसमें इकोनॉमिक्स का सेक्शन कर रहा हूं मैं सोल्व आपके साथ तो ट्वेंटी सिक्स से इकोनॉमिक स्टार्ट होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना ट्वेंटी क्वेश्चन में कह रहे हैं मार्केट फेल इन द प्रेजेंस ऑफ मार्केट का फेल मार्केट फेलियर कब होता है अगर मार्केट पावर हो मार्केट फेलियर होता है हाँ जी मार्केट पावर में मार्केट फेलियर हो सकता है पॉजिटिव एक्सन एलिटी से मार्केट फेलियर हो सकता है कॉम्पिटेटिव मार्केट फ्री मार्केट होती है उसमें मार्केट फेलियर नहीं होता तो यहां नहीं होगा अस्सी मेट्रिक इंफॉर्मेशन में मार्केट फेलियर हो सकता है तो मार्केट फेलियर ए में हो सकता है बी में हो सकता है सी में हो सकता है डी में नहीं ई e में हो सकता है तो ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर तो भी कोड है उसका ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन था ओके okay, अभी हिंदी में आ गया ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन देखिए आपको मैच करना है प्राइवेट गुड्स कौन से होते हैं दो गुड्स विच आर राइवल एंड एक्सक्लूडेबल राइवल और एक्सक्लूडेबल होने चाहिए राइवल इन कंजाम्शन एंड एक्सक्लूडेबल ये सेकंड ए के साथ सेकंड मैच कर रहा है ए के साथ सेकंड देख लो ए के साथ सेकंड कहां है तो फर्स्ट नहीं हो सकता फोर्थ नहीं हो सकता सेकंड थर्ड में से हो सकता है एक के साथ सेकंड है बी क्लब गुड्स क्लब गुड्स कौन से होते हैं जो नॉन ड्राइवल होते हैं मगर एक्सक्लूडेबल होते हैं जैसे आपका जिम है या कोचिंग सेंटर है ठीक है तो ये नॉन ड्राइवल है मगर क्या है एक्सक्लूडेबल जो फीस देगा वही एंटर करेगा तो नॉन ड्राइवल एंड एक्सक्लूडेबल नॉन ड्राइवल कंजन तो बी के साथ फर्स्ट है बी के साथ फर्स्ट सेकेंड में नहीं है तो थर्ड आंसर आपका आ गया बाकी मिलवा देता हूं बाकी आंसर थर्ड हमारा आ चुके कॉमन रिसोर्स क्या होता है कॉमन रिसोर्स वो होता है जो कि राइवल होता है मगर नॉन एक्सक्लूडेबल जैसे घर के बाहर आपके घर के बाहर की कार खड़ी करके चला जाए तो अब आप कार कहां कहा खड़ी करेंगे स्पेस तो एक ही था कार किसी और ने खड़ी कर दी तो राइवल है लेकिन घर के बाहर की जो सड़क है वो आपकी नहीं होती या हमारी नहीं होती वो तो पब्लिक प्लेस है पब्लिक प्रॉपर्टी कोई भी खड़ी कर सकता है वो एक बिलीफ है कि हमारे घर के बाहर हम ही खड़ी करेंगे लेकिन एक्चुअली तो वो एक्सक्लूडेबल नहीं है किसी को रोका नहीं जा सकता कार खड़ी करने से वहां पे तो क्या है वो कॉमन रिसोर्स क्या होता है वो होता है मगर नॉन एक्सक्लूडेबल तो सी के साथ फोर्थ है सी के साथ फोर्थ ये भी सही है जी ये ये तीनों सही हो गए पब्लिक गुड्स वो होता है कौन सा जो नॉन राइवल है और नॉन एक्सक्लूडेबल है तो डी के साथ थर्ड है तो थ्री इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते ये स्टेटमेंट्स के बारे में कौन कौन सी हाइपोथेसिस किसने दी थी आपको आपने सारी हाइपोथेसिस पढ़ी है क्लास में हमारे साथ लाइफ uh, हाँ साइकिल सही है लाइफ साइकिल मोदी गिलानी ने दिया था एब्सुलट इनकम नहीं जी एब्सुलट इनकम हाइपोथेसिस दिया था जॉन तो ये गलत है रिलेटिव इनकम हाइपोथिस प्रोपाउंडेड बाय जेम्स बेरी ये भी सही है रिलेटिव इनका जेम्स जेम्सिन बेरी ने दिया था पर्मानेट इनकम हाइपोथेसिस वाज प्रोपाउंडेड बाय जेम्स जॉन हाइपैथाउ नहीं ये मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था तो उसने बी और डी के ऑथर्स को उल्टा कर दिया तो डी भी गलत है सिर्फ ए और सी सही है ए एंड सी आर राइट तो ये देखिए अब तक तो जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं वो सब कंसेप्चुअल हैं या फैक्ट्स पे बेस्ड हैं अगर आपको फैक्ट्स याद हैं या कंसेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन आपने अब तक कोई भी ऐसा नहीं था जो इसमें कुछ भी कैलकुलेशन करने को आई हो चलिए आगे चलते हैं ट्वेंटी क्वेश्चन ये अजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है अजर्शन है परेटो ऑप्टिमेलिटी इंप्लाइज दैट एन एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इज इन व्हेन इट इज पॉसिबल थ्रू सम चेंज इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्स टू बेनिफिट एटलीस्ट वन पर्सन विदाउट मेकिंग एल्स वर्स ऑफ बिल्कुल सही है जी जब आप कुछ एलोकेशन चेंज करते हैं जिससे एक को फायदा हो लेकिन दूसरे को नुकसान ना हो ठीक है अच्छा तो जब तक ऐसा हो सकता है जब तक आप किसी एक को फायदा पहुंचा सकते हैं तब तक जहां आप खड़े हैं वो इनएफिशेंट है जैसे आपने पढ़ा है एजवर्थ बॉक्स पढ़ा है हमारे साथ और आप मैं एक चीज़ आपको बना के दिखाता हूं, देखिए ये आईसी है ये दूसरी आईसी है सपोज़ आप पॉइंट ए पर हैं ये पॉइंट ए बोल देता हूं उसको सपोज आप पॉइंट ए पर हैं तो ए से अगर मैं पी पे चला जाऊं तो ए से पी पे जाने पर जो एजेंट वन है उसको फायदा होगा टू को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टू सेम आईसी पे रहेगा टू सेम आईसी पर है लेकिन एजेंट वन हायर आईसी पे चला गया एसीपी में जाने पर हायर आईसी पे चला गया तो एक को फायदा हुआ लेकिन एजेंट uh, को फायदा हुआ टू को नुकसान नहीं हुआ तो ये पर्यटन इंप्रूवमेंट है अगर ऐसा और इंप्रूवमेंट पॉसिबल है तो जहां हम खड़े थे पहले वो है तो जो ए था ए क्या है है क्योंकि अगर ऐसा किया जा सकता है जहां हम किसी एक को फायदा पहुंचा सकते हैं दूसरे नुकसान किए बिना तो जहां पहले खड़े थे इन एफिशियंट है ठीक है इंप्लाई इज इज दैट एलोकेशन ऑफ इट पॉसिबल पॉसिबल अगर ये possible है कि आप किसी एक को फायदा पहुंचा सकते हैं दूसरे नुकसान पहुंचाए बिना मतलब आपने अभी ट्रेड के सारे जो ऑप्शन एग्जॉस्ट नहीं किया तो आप खड़े हैं, एपर, वो है तो जहां इनिशियली आप खड़े पॉइंट ए पर वो इन एफिशियंट है तो एजन करेक्ट है बिल्कुल नेक्स्ट कहते हैं परिट एफिशंसी टेक्स इंटू अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं जी पर्यटफिशियन से डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस फेयरनेस की बात बिल्कुल नहीं करता है देखिए आपने पढ़ा है इस बात को आ, आपने पढ़ी है फर्स्ट वेलफेयर थियोरम फर्स्ट फंडामेंटल थियोरम ऑफ वेलफेयर वहां पर हमने ये पढ़ा कि अगर हम सब कुछ एजेंट वन को दे दें या ज्यादातर एजेंट वन को दे दें गुड वन पूरा एजेंट वन को दे दें और गुड टू मैक्सिमम एजेंट वन को दे दें तो ऑप्टीमेलिटी यहां कहीं आएगी यहां पे कहीं ऑप्टीमेलिटी आएगी जहां पे ज्यादातर पोर्शंस गुड्स के होंगे वो एजेंट वन के पास ही होगी टू के पास बहुत कम होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव फेयरनेस तो यहां पे नहीं है मगर फिर भी ये एफिशिएंट बंडल तो है ये बंडल एफिशिएंट है क्योंकि यहां पर आईसी है मगर ये फेयर को नहीं इसको फेयर नहीं कहा जा सकता फेयर क्यों नहीं कहा जा सकता क्योंकि एजेंट टू है उसको अगर मौका दिया जाए तो एजेंट वन का बंडल वो चूज करना चाहेगा ठीक है तो जस्टिस फेयरनेस जस्टिस की फेयरनेस की बात तो नहीं हो रही है तो जो रीजन है टेक्स अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड पीपल अफेक्टेड नेगेटिवली तो ये बात गलत है ऐसा नहीं होता है ठीक है तो पेरेट एफिशियंसी इस बात की बात नहीं करती कि क्या जो हम डिस्ट्रीब्यूशन जो एलोकेशन कर रहे हैं वो फेयर है या नहीं बस इसकी बात करती है कि किसी एक को नुकसान पहुंचाए बिना अगर किसी और को फायदा नहीं दिया जा सकता तो हम एफिशिएंट पॉइंट पे आ चुके हैं तो एजर्शन तो सही है मगर रीजन गलत है थर्ड ऑप्शन ए इज करेक्ट आर इज इन ठीक है जी ये भी एकदम कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था कुछ भी ऐसा नहीं था इसके अंदर अब नेक्स्ट क्वेश्चन ने, इकोनोमेट्रिक से आ गया जी देखिए व्हाट इज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द सम ऑफ रेजिडल इन अ सिंपल विद ऑब्जर्वेशन देखो ऑफ फ्रीडम क्या होता है एन माइनस के एन है यहां पर सैंपल साइज और क्या होता है नंबर ऑफ पैरामीटर्स सैंपल साइज हंड्रेड है मेरे पास और क्योंकि बोल दिया सिंपल बायो है, है यानी दो ही वेरिएबल है तो दो ही पैरामीटरों के सिंपलेशन की बात कर रहे हैं वाई इज इक्वल टू

किसी कांस्टेंट के इक्वल है और ऐसा होने पर हमने पढ़ा है डी वाई डी एक्स होता है क्या माइनस माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश वाई तो एफ डैश एक्स क्या है एफ डैश एक्स है टू एक्स वाई और एफ डैश वाई है एक्स स्क्वायर तो माइनस टू वाई बाई एक्स तो माइनस टू बाई बाई एक्स इज आंसर सेकेंड इज ऑप्शन देखिए आप जानते हैं अगर मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स वाई इस हम कॉन्स्टेंट लेवल कर इसी को बोलते हैं तो अगर मैं लेफ्ट साइड लगाता हूं टोटल right डिफरेंशियल तो आई गेट एफ डैश एक्स इंटू डी और राइट साइड का डेरिवेटिव होगा जीरो मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया आपको वैसे क्लास में प्रूफ कराया हुआ आपको इसका आंसर माइनस टू वाई बाई एक्स ओके okay, पहला क्वेश्चन जहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ी हमको व्हाट इज द ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास थर्टी टू वट इज द डिग्रीज ऑफ होमोजेनिटी ऑफ दिस फंक्शन देखिए डिग्री निकालने के लिए हमको लैमडा इंसर्ट करना पड़ता है एक्सी जगह लैमडा एक्स बाई की जगह लैमडा वाई आई है एक्स लैमडा वाई विल बी लैमडा क्यूब एक्स क्यूब बाय लैमडा वाई प्लस लैमडा क्यूब वाई क्यूब बाय लैमडा एक्स ऊपर नीचे लैमडा कैंसिल हो एक जाएगा है कि लैमडा स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा तो लैमडा स्क्वेयर कॉमन बच गया एक्स क्यूब बाय वाई प्लस वाई क्यूब बाय एक्स तो दिस इज लैमडा स्क्र इन टू एफ एक्स वाई तो दिस इज होमोजेनियस फंक्शन और इसकी डिग्री कितनी है डिग्री है टू फंक्शन इज होमोजेनियस डिग्री इज टू तो सी थर्ड इज द राइट आंसर डिग्री इज टू बहुत बेसिक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जहां पे कुछ भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो थर्टी थर्ड यह भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इकोनोमेट्रिक्स का ही है डेटा कलेक्टेड एट अ पॉइंट इन टाइम आर कॉल्ड क्रॉस सेक्शन डेटा देखिए जब आप किसी एक पॉइंट इन टाइम पे डेटा कलेक्ट करते हैं उसको क्रॉस सेक्शन डेटा बोलते हैं जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कलेक्ट करते हैं ईयर वाइज या मंथ वाइज या वीक वाइज या डे वाइज या आवर वाइज जब भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम कलेक्ट करते हैं तो वो टाइम सीरीज होता है और जब आप दोनों डायमेंशन यूज करते हैं टाइम भी और स्पेस भी यानी सेक्शन भी क्रॉस सेक्शनल डेटा भी लेते हैं और टाइम सीरीज भी लेते हैं तो वो पूल डेटा भी होता है पैनल डेटा भी होता है वो एक अलग टॉपिक है पूल डेटा क्या है पैनल डेटा क्या है दोनों डिफरेंस क्या है उसकी बात नहीं करेंगे लेकिन सिंपल सी बात यह है कि अगर हम किसी एक पॉइंट इन टाइम पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो क्रॉस सेक्शनल है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कर रहे हैं तो वो टाइम सीरीज है और जब दोनों स्पेसेस यूज दोनों डायमेंशन यूज़ कर रहे हैं टाइम भी और स्पेस भी तो वो पूल डेटा भी कहलाता है पैनल डेटा भी कहलाता है डिफरेंस क्या है वो अलग कहानी है इसलिए अभी क्योंकि पेपर में हो तो उसमें ज़्यादा जाऊंगा ही क्वेश्चन जब आ गया देखे करंट अफेयर से आ गया ठीक है तो द बजट ये हर साल अलग आएगा इंडियन इकोनॉमी पे बेस्ड क्वेश्चन है तो उस साल की जो करंट इवेंट्स आपको ध्यान इवेंट चाहिए तो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था तो लास्ट ईयर का जो बजट था 23-24 का उसमें बोल रहा है रिवाइज एस्टिमेट्स कौन से साल के थे और एक्चुअल जो थे वो कौन से साल के थे देखिए क्या होता है कि जो रिवाइज एस्टिमेट्स जो प्रेजेंट किए थे आ, फाइनेंस मिनिस्टर ने वो तो लास्ट ईयर के थे 2022, 23 के और एक्चुअल उससे लास्ट ईयर के थे ट्वेंटी वन के तो सेकंड इज द राइट आंसर ये तो फैक्ट है एक्चुअली आपको याद रखना होगा बजट में बहुत सारी चीजें होती कि है किस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे ओके नाउ दिस क्वेश्चन द मैक्सिम वैल्यू ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर इज देखिए आप जानते हैं मॉनिटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर को हम बीटा बोलते हैं बीटा होता है बी बाय एच इंटू गामा गामा होता है अल्फा जी डिवाइड बाय वन प्लस बी बाय एच इंटू के इंटू एल्फा जी तो इफ़ आई मल्टीप्लाई द टर्म बाय एच तो आई विल हैव आई विल हैव बी इंटू एल्फा जी डिवाइड बाय एच प्लस बी इंटू के इंटू एल्फा जी अगर बी एल्फा जी से डिवाइड कर दो वन बाय एच अपॉन बी इंटू एल्फा जी प्लस के अब वो बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी देखिये क्या होता है अगर हमारी आई एस कर हॉरिजॉन्टल हो जाए अगर आई एस हॉरिजोंटल हो जाए तो मॉनिटरी पॉलिसी का हमें मैक्सिमम इफेक्ट मिलता है फिर ठीक है अगर आई एस हो तो मॉनिटरी पॉलिसी का क्या मिलता है मैक्सिमम इफेक्ट मिलता है मैंने उल्टी बनाई का तो आई एस ऑरजेंट्रल तब होती है जब बी टू इन्फिनिटी आई एस का स्लोप होता है माइनस वन अपन बी टू एल्फी अगर बी अप्रोचेज टू इनफिनिटी है तो फॉर मैक्सिमम मॉनिटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर बी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अगर बी इन्फिनिटी अप्रोच करेगा तो एच बायफिनिटी जीरो हो जाएगा तो बीटा हो जाएगा क्या वन बाय जीरो प्लस के यानी वन बाय के तो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी वन बाय के थ्री इज द राइट आंसर ठीक है क्लियर तो अभी हमने आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स से स्टार्ट करके थर्टी फाइव टेन क्वेश्चन कर डालें होपफुली फुली क्वेश्चन तो बहुत आसान थे आप लोग समझ गए होंगे फिर भी कोई क्वेरी अगर आपके में है कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो ये नीचे व्हाट्सअप नंबर है मेरा यहाँ पर आप व्हाट्सअप करके अपनी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं राइट ओके थैंक यू